और इसके साथ ना मुझे दुपट्टा था वो मैंने नहीं लिया, ये खदीजा का दुपट्टा था एक। चलते चलते मुझे ख्याल आया सेफ्टी पिन की भी मैं टिप बता दूँ। साथ में मेरा ये क्लच है क्योंकि ये इसके साथ कुंदन के बटन लगे हैं, तो मैंने डार्क गोल्ड में ही किया है। अच्छा, इसमें मैंने 2 अंडे, 1.5 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले पीनट बटर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फाइनल अपनी शादी की ये वाला ड्रेस भी दिखा दूँ। ये जो सिल्क आया था ये वो पहना है मैंने, और इसके साथ ना मुझे दुपट्टा था वो मैंने नहीं लिया, ये खदीजा का दुपट्टा था एक। और ये दुपट्टा अब तो बहुत महंगा हो गया, ये प्योर था जरी का एक दुपट्टा था, और अब मैंने जब इसकी प्राइस चेक की तो अब ये 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया था। मेरे पास इस दुपट्टे को पता नहीं बहुत साल हो गए, तो इसलिए अब मुझे याद नहीं उस वक्त, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब अचानक बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गए इसकी। खदीजा की शादी पे मैंने इसको दोबारा से डाई करवा के इसके इस तरह से शीशों की लेस और किरण ये लगाई थी, तो आज मैंने अपने इस वाले जोड़े के साथ इसको मैच किया। ये जो आप सब लोगों को सूट बहुत पसंद आ रहा था, इसके स्लीव्स पर भी काम है और सारा कुछ अच्छा। दुपट्टे को ना मैं यूजुअली पिनअप नहीं करती, अब मुझे लगता है शर्ट ख़राब हो रही है या कुछ, तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। लेकिन वैसे अक्सर दुपट्टे जैसे ऑर्गेन्जा वगैरह के होते हैं उनको मैं पिनअप कर लेती हूँ ताकि वो फिर बहुत ज़्यादा वो गिरे नहीं और कुछ नहीं। ये शिफॉन है, जरी शिफॉन है, तो इसका इतना मसला नहीं होता। अच्छा, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं ना उसमें से एक ये भी थी कि स्वेटर्स और शॉल्स, स्वेटर्स को स्पेसिफिकली किस तरह लेना है और सूट्स के साथ मैच करके दिखाएं, तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करते चले जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ शादी पे, और आज आबिद ने मेरे साथ पहली दफ़ा टाई मैच किया, वरना मुझे बहुत शौक होता है कि मैं और आबिद एक जैसे कुछ मैचिंग पहने। तो अब उधर चलते हैं, अब देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या करती हूँ, फिर इंशाल्लाह वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी। मेकअप मैंने जो किया है वो ये है, लाइट ही किया है मैंने बहुत, और बाल फिर मैंने बांध लिए। वैसे मैंने बाल ही बांधे थे क्योंकि कल के मेरे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये पीछे से इसकी नेकलाइन ऐसी थी कि फिर मैंने बाल बांध लिए हैं, वरना मेरा दिल नहीं चाह रहा था बांधने को। लिपस्टिक का जिन्होंने मुझसे पूछा हुआ है पिंक वाली मेबेलिन, वो मैं अभी बता देती हूँ, चलिए मेरे साथ। अच्छा, ये ना मैंने आज कोई चीज़ें सेट नहीं की, मैंने वैसी ही रखी है उन लोगों के लिए जो मुझे कह रही थी ना कि आपका तो बिल्कुल नहीं बिखरता और वैसे का वैसा ही रहता है। तो पहले जब मेरे पास वो होती थी ना हलीमा या सफीरा होती थी, तब तो काफ़ी बिखर जाता था क्योंकि मुझे पता होता था कि वो लोग पीछे से ठीक कर लेंगे। अब मेरे पास इर्शाद सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आती है तो वो नहीं होती, इसलिए मैं अपनी चीज़ें वीज़ें खुद ही करती रहती हूँ। नहीं, लेकिन फाइनली मैं पिनअप कर रही हूँ दुपट्टा, क्योंकि ये काफ़ी स्लिप हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रही कि उधर मैं बस दुपट्टा ही संभालती रहूँ, तो इसको मैं पिनअप कर रही हूँ अभी। और एक और चीज़ मैंने, हाँ, लिपस्टिक बतानी थी, वो भी मैं अभी बताती हूँ पिन लगा के। ज़रा चलते चलते मुझे ख्याल आया सेफ्टी पिन की भी मैं टिप बता दूँ। कोई भी सेफ्टी पिन या सुई या कोई भी चीज़ हो ना, या कैंची या छुरी, तो मैं अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको पंजाबी में बोलते हैं खुंडी, खुंडी नहीं होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए वरना धागा भी खींच जाएगा। इसका सब लोग बहुत ज़्यादा पूछे, ये मेबेलिन की सुपरस्टे इंक क्रियॉन है, और इसका टेली क्रियॉन है नाम, पता नहीं इसका क्या नाम होगा, हाँ इधर है, इसका नाम है स्टेक्स एक्सेप्शनल 25 नंबर है, ये इसका है, ये इसका नंबर है। और आज जो मैंने यूज़ किया है वो है सफोरा का, अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, क्या इसको कहते हैं ये भी नहीं पता, ये है सफोरा का, उसके ऊपर मैंने फैट ऑयल भी है, निक्स वाला ये भी लगाया, पता नहीं क्या 2-3 चीज़ें लगा ली हैं। कलर जिस चीज़ का फील हो रहा है आप मुझे आ रहा है वो लॉरियल की है, मेबेलिन नहीं सॉरी लॉरियल है, 840 नंबर,
नेचर्स ब्लश, बिल्कुल लाइट सा कलर है ये। मैंने पूरा जो मेरा था ना उधर डेनिस वाला ट्रिप को मैंने इसी एक लिपस्टिक के साथ गुजारा था। ये बहुत ज़रा अच्छी भी रहती है और वो भी सस्ती और टिकाऊ है। अस्सलाम वालेकुम, सेकेंड डे वीडियो का अभी इंशाल्लाह कल मैंने आपसे आपसे पिक्चर्स अपनी शेयर की थी। आज मैंने वेलवेट का मेरा पर्पल ड्रेस है जो मैंने पहना है, ये भी सायरा ने ही बना के मुझे दिया था और वो अब काम नहीं कर रही, इसलिए जो लोग उसका पूछ रहे हैं वो अभी फ़िलहाल वो काम नहीं कर रही। जब वो दोबारा करेगी सही काम शाम स्टार्ट होगा तो मैं बताऊँगी आपको। साथ में मेरा ये क्लच है क्योंकि ये इसके साथ कुंदन के बटन लगे हुए हैं तो मैंने डार्क गोल्ड में ही किया है। नवीन दरवाज़ा बंद कर लो, अपना क्लच रखा है। अच्छा, एक और भी जो ड्रेस मैंने निकाला हुआ था ना वो ये था, और ये मैंने बहुत पहले ही लिया था। सायरा ने एग्जीबिशन एक दफ़ा की थी इंसॉम्बल्स में, और ये शेंटले की लेस का था, और ये वो लेसेस, ये वो सारी शर्ट्स वगैरह के पीसेस लेकर आई हुई थी दुबई से, तो उसने फिर आके एक एग्जीबिशन की थी। तो ये मैं ये ही एक्चुअली पहनने लगी थी, और इसके साथ ये वाइट पैंट्स हैं जिनके एंड पे लेस लगी हुई है, ये मैं इसके साथ पहनती हूँ, या कभी ब्लैक या बेज भी पहन लेती हूँ, वरना यूजली मुझे ना ये वाइट इसके साथ अच्छी लगती है तो मैं ये पहनती हूँ। गर्मियों की शादी में ज़्यादातर वो पहनती हूँ। अब ये क्योंकि विंटर है और मैं हर उसमें वीडियो में बताती भी हूँ कि मुझे बहुत पसंद है वेलवेट, तो मैं अच्छा ये शिफॉन प्योर वेलवेट है, डाई हुआ है, इतनी अच्छी इसकी फील है और इसका वो है कि आपको मज़ा आता है देखकर भी। अच्छा, इसको ना जो वेलवेट के आप करते हैं उसको फिर आपने नीचे उसके, यूजुअली जो मेरे वाला टेलर है वो तो हाथ से तरपाई करते हैं, तरपाई ही बोलते हैं उसको, वो करता है, सिलाई नहीं लगाता। आज की मैं उसमें आपको भी बताऊंगी रेसिपी, मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी और उसका एक पीस मैंने काट भी लिया है। वैसे सादिया ये उधर रखो, वहाँ पर रखो ना, ब्रेड मैंने बनाई थी उधर, मैं उसको वो जो मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है वहाँ पे रखी होती है। इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त मैं अकेली थी घर पे। अच्छा, इसमें मैंने दो अंडे, डेढ़ कप मैदा, दो टेबलस्पून मैंने इसमें डाले पीनट बटर के, और तीन टेबलस्पून इसमें मैंने डाले नूरपुर बटर के, तीन केले डाले। आप ज़रा सा जो मक्खन है ना वो ज़्यादा रखें, आप आधा कप रखें मक्खन, मैंने थोड़ा सा कम डाला था, आधा कप मक्खन नूरपुर का ही सॉल्टेड, और दो टेबलस्पून है पीनट बटर के, तीन केले हैं इसमें, डेढ़ कप फ्लावर और दो अंडे में बता चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने एक टेबलस्पून इसमें कोकोनट कोको पाउडर का डाला है चॉकलेट का, एक टीस्पून मैंने इसमें सिनेमन डाला है दालचीनी पाउडर, और इसको बेक कर लिया है। बेक का ये है कि इस वाले पैन में जिसमें मैंने किया था इसमें इसको 40 मिनट्स लगे हैं क्योंकि मैंने हीट इसकी 150 पे रखी हुई थी। आप ऐसे आधे घंटे के बाद निकाल के चेक करते रहें, जब आपकी वो ड्राई निकल आए नाइफ या कुछ तो आप फिर इसका इट मीन्स कि वो बन गई है। तो ये मैं दो, अच्छा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी सारी इसकी रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हाँ एक कंडेंस मिल्क था पूरा इसमें। अच्छा, ये सारा मैं नीचे लिख दूंगी ताकि मैं भी ना कुछ भूल रही हूँ और कुछ हो ना कर। मैंने बाल अपने आज खुद ही किए हैं, वेव बीच रुक देने की कोशिश की, पता नहीं कैसे बने लेकिन खुद ही कुछ किया है। वेलवेट कलेक्शन भी मैंने आपको अपनी दिखा ली है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और जो लोग और वो फिर आप फिर इन्हीं कपड़ों से आप शादी के कपड़ों के सारे आइडियाज लेते रहें। एक दो चीज़ें अगर मैं भूल रही हूँ तो काइंडली मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। मैं जो मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे और वो सारे मैं पढ़ती हूँ, और मैं काफ़ी को तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कुछ उन मैसेजेस जो आज वन ऑफ देम था कि मैं इतनी अपसेट हो जाती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे लास्ट टाइम रोना भी आ जाता है कि कैसी कैसी सिचुएशंस दुनिया में होती हैं और सब कैसे चल रहा होता है। जो बच्ची जिससे मुझे लिखा है और अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, मैं अच्छा उस दिन यही हम लोग बात कर रहे थे सारे, यही था कि अपने बीवी की हेल्प करवाएं घर में सारा कुछ। आप अगर वीडियो देखें, मेरे ख्याल से 26-27 नवंबर वाला कुछ था मेरा शादी वाला जो व्लॉग मैंने किया था अपनी एनिवर्सरी वाला उसमें। लेकिन स्टिल अगर आपका जोर सिर्फ अपनी बीवी पे ही चलता है,
उसी और अपने उन लोगों पे जो आपके घर में ही रहते हैं चल रहा है, तो फिर इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता। आप किसी की बेटी की शादी करके अपने घर इसलिए तो नहीं लाए कि आप दिन रात उससे उसकी इंसल्ट करें। या तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा खाना चाहिए तो फिर एक खाने का टेस्ट ले लिया करें पहले कि प्रॉपर खाना उस तरह का बनाना आता है कि नहीं जो आपको पसंद है, वो रिक्वायरमेंट वो फिर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन शादी के अगले दिन सुबह उठ के कि खाना बिल्कुल परफेक्ट हो और सब बिल्कुल अच्छा बना रही, ये होना तो पता नहीं आप कैसे, आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए कि क्या चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट में आपके है, वो दूसरे को भी बताना चाहिए ताकि वो आपको बता सके कि मैं ये कर सकता हूँ मैं ये नहीं कर सकता। एक और बात के अगर वो ये जो बात है कि कोई अगर आपको इस तरह डिग्रेड कर रहा है तो ना उसके करने से आप हो जाएंगे और वो आपको, एक मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कहीं कि ब्लोइंग अवे माई कैंडल विल नॉट ब्लो योर कैंडल ब्राइटर, आपकी कैंडल ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी दूसरे की कैंडल्स बुझाने से। बस इतना ही मैं कहूँगी और बाकी मैंने मैसेज कर दिया है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी नहीं मुझे पता। तो नेक्स्ट व्लॉग अब इंशाल्लाह कल करूँगी मैं, क्रॉकरी से ही मेरा ख्याल है स्टार्ट करूँगी मैं, स्वेटर्स और शॉल्स वाला भी करने है कि स्वेटर्स कैसे आप कर सकते हैं और कैसे पहने और कौन सा मटेरियल, जो करंडी वाला कपड़ा आया हुआ है ना उसके ऊपर बाय द वे स्वेटर नहीं ठीक पहना जाता, वो अटकता है स्वेटर। अगर आपने जो सूट्स आपने स्वेटर के साथ बनाने हैं तो मेक श्योर वो लिनन के या मरीना के हों क्योंकि उसके ऊपर आराम से स्वेटर पहना जाता है। जैसे आपने जेंट्स शर्ट्स देखी होंगी वो हमेशा किस कपड़े की होती है, वो मतलब ऐसा कपड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर कोट पहने तो वो कोट अटके उनके बाजुओं में, ये नहीं होता। तो वो फिर आप वो वाला कपड़ा लें ताकि वो आसानी से आप स्वेटर पहन और उतार सकें। शादी के ड्रेसेस के जो लोग मुझे आइडियाज और वो कह रहे थे, तो जो मेरा जो ये वाले जो मैं करती हूँ ना व्लॉग्स के जाने से पहले शादी वाले लुक जो दिखाती हूँ, इसीलिए होती है कि अगर आपको इसमें से भी आइडिया मिल सके तो आप ले सकते हैं। और एक चीज़ है बड़ी अच्छी, सुबह डिज़ाइनर की सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कह रही कि लुक यंग या ये वो ये भी बातें बहुत अजीब लगती हैं, वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा वो करना चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड या जो भी कुछ एलिगेंस रूल्स हैं उनमें से ये कि बहुत हैवी ज्वेलरी ना पहने। अगर आपने सेट्स भी पहने हैं, चूड़ियाँ, ये ज़रूरी नहीं है जो लॉकर से आप ज्वेलरी अपनी निकलवा रहे हैं वो सारी की सारी आपने पहननी है, एक आधा पीस पहन लें और बाकी सेव कर लें अगले हो के इन पे आप पहन लेंगे। तो आज का भी सिंपल ही है ड्रेस बहुत ज़्यादा, लेकिन अगेन प्योर कपड़ा और अच्छा कपड़ा लें, उसकी फॉल अलग होती है, प्योर वेलवेट है ये और इसके ऊपर सिर्फ ये कुंदन के बटन लगे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ पॉकेट्स भी थी, वो फिर मतलब कुछ उसके साथ लेस ठीक नहीं बैठ रही थी तो वो मैंने चेंज करवाई थी। तो अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह, होपफुली कि अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी।